हे गाइस, तो बहुत बड़ी अपडेट आ रही है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मंडे नाइट रॉ से जो आज हो चुकी है, एंड गाइस रिया रिप्ली से और गाइस हमारे डेमियन ब्रीज से और जो ड्रू मैकइंटायर ने किया उस चीज से भी, एंड गाइस स्मैकडाउन का एक जो शो होने वाला वो टेप्ड होने वाला है। डब्ल्यू ने अपने पॉलिसीज में चेंज की है, तो गाइस वीडियो को लास्ट तक देना, चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि आप कोई भी अपडेट मेरे चैनल पे मिस ना कर सको। तो फर्स्ट अपडेट जुड़ी गाइस वो जुड़ी है हमारे रोमर रेन से। तो गाइस रोमर रेन का रिटर्न होने वाला है बहुत जल्दी, एंड गाइस ये आपको देखने को मिल सकता है समर स्लैम के अराउंड। बिकॉज ऑफ रीजन समर स्लैम के अराउंड ही रोमर रेन का रिटर्न होगा। एंड गाइस इसके लिए एक रेंडर आया था पॉल हेमन का, जो उनकी वेबसाइट पे अब मैं पोस्ट तो कर नहीं सकता है यहाँ पर, तो वो रेंडर आया था जिसपे गाइस उनके यूआरएल पे रोमर रेन्स का आ रहा है। बिकॉज रोमर रेन के रेंडर पे हमारे पॉल हेमन का आ रहा है, एंड पॉल हेमन की जो फोटो उसे रोमर के रेंडर में डाला गया है, मतलब यूआरएल है। तो डब्ल्यू जानबूझ के ऐसी चीजें कर रही है, जानबूझ के दिखा रही है कि हाँ रोमन के लिए थोड़े से मतलब हिंट जो होते हैं ना ईस्टर एग्स, वो दे रही है, टीज कर रही है कि हाँ बहुत जल्दी आपको रोमन रेन देखने को मिलेंगे। एंड यार ये चीज बहुत जल्दी होगी क्योंकि समर स्लैम बड़ा इवेंट है और गाइस सिविल वॉर स्टार्ट होने वाली है ब्लड लाइन की। एंड सोलो स्क्वाड ने सीधा सीधा चैलेंज तो कर ही दिया है कि बेटा तू आएगा तुझे मुझे एक्नॉलेज करना पड़ेगा, तो ये चीज मान के चलो रोमर रेन का रिटर्न बहुत जल्दी होने वाला है। नेक्स्ट अपडेट जुड़ी गाइस वो जुड़ी है हमारे आज मंडे नाइट रॉ से, रिया रिप्ली का मैच कंफर्म हो चुका है लिव मॉर्गन के साथ। इनका मैच होगा समर स्लैम में फॉर वर्ल्ड टाइटल के लिए वुमेन्स। और गाइस हमारे डोमिनिक मिस्टेको हर को चिढ़ा रहा है, जे उसो ने कॉल वाला साइन भी किया था जिसमें उन्होंने कहा है कि मैं तुम्हें कॉल करूंगा। एंड रिया रिपली भी अब अलग होने वाली है मुझे लगता है डोमिनिक मिस्टेको से, एंड गाइस डोमिनिक मिस्टेको के तो फूल भी मतलब तोड़ दिया रिया रिपली ने। तो देखो गाइस किस लेवल तक स्टोरी लाइन जाती है। और हमारी नेक्स्ट अपडेट जुड़ी गाइस वो जुड़ी है ट्रेडमार्क से। तो गाइस डब्ल्यू पहले करती थी ट्रेडमार्क जो रखती थी नेम का, जैसे ईथन पेज या कोई भी है उनका नाम रख लेती थी ताकि बंदा बाहर जाके नाम यूज ना कर सके, तो वो सेम चीज़ होती थी। लेकिन डब्ल्यू ने इस बार पॉलिसी में चेंज कर दिया है, टीकेओ ने पॉलिसी में चेंज किया है। अब जो भी बंदा आएगा अपने नाम के साथ वो अपने नाम के साथ वापस भी जा पाएगा अनदर कंपनी में, एंड टीकेओ ने ये बहुत बड़ा चेंज किया है। बिकॉज द रीजन यह, जैसे एज थे अब एडम कोपलैंड बन के एडब्ल्यू में गए, डीन एम्ब्रोस थे जॉन मॉक्सली बन के एडब्ल्यू में, तो उनका जो नाम था ना वो नाम जो था वो उनके लिए पहचान थी, तो वो नाम उनका चले जाता था तो उनकी इतनी फैन फॉलोइंग नहीं रहती थी। तो सेम चीज़ अब डब्ल्यू ने की है, तो ये चीज़ अब नहीं हुआ करेगी। नेक्स्ट अपडेट जुड़ी गाइस वो जुड़ी है स्मैकडाउन से। तो गाइस जापान में डब्ल्यू का एक टूर है जिसे डब्ल्यू करने के लिए एक्साइटेड है, एंड गाइस उसके रिलेटेड फॉक्स पे वो टेप करेगी एक शो, इस वीक वाला नहीं नेक्स्ट वीक वाला टेप्ड करेगी जो स्मैकडाउन टेप्ड होगा, एंड गाइस वो जाएंगे जापान टूर में। नेक्स्ट अपडेट जुड़ी गाइस वो जुड़ी है हमारे डेमियन ब्रीज से। तो गाइस डेमियन ब्रीज का फेस टर्न बहुत जल्दी आपको देखने को मिलेगा, एंड गाइस ये चीज़ होने वाली है। बिकॉज आज जैसे उन्होंने गुंथर को कहा कि तू आएगा तो मैं तुझे तोड़ूंगा, और गाइस जिस हिसाब से उन्हें अपर हैंड दिखाएगा तो यहाँ से लग रहा है कि गुंथर राइट नाउ हील में रहेंगे, एंड डेमियन ब्रिज का फेस टर्न बहुत जल्दी आपको देखने को मिल सकता है। तो नेक्स्ट अपडेट जुड़ी है वो जुड़ी है ड्रू मैटर। ड्रू मैटर पागल हो चुके हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल उन्होंने रेफरी ने कहा कि इनसे माफी मांगो, उन्होंने नहीं मांगी, एंड देन गाइस सेथ रॉलिंस ने उन पर अटैक किया, और ऐसा लग रहा है जैसे सीएम पंक एक ट्रॉफी है जिसे जीतना चाहते हैं ड्रू मैटर या फिर हमारे सेथ रॉलिंस, और दोनों का फोकस सीएम पंक पे है। एंड सी एम पंक इज राइट नाउ वन ऑफ द गाय हु बीट्रे एवरी वन, मतलब सबको तोड़ फोड़ रहा है वो, सबकी स्टोरी लाइन में और सबको खिला के रखा हुआ है ड्रू मैकइंटायर को भी। एंड ड्रू मैकइंटायर सेथ रॉलिंस एंड सी एम पंक ये तीनों ही स्टोरी लाइन में व्यस्त होने वाले हैं समर स्लैम में, इनका मैच कन्फर्म है। और आए थे एक और चीज़ कन्फर्म होगी गाइज, वो चीज़ है हमारे ब्रॉन ब्रेकर का मैच भी कन्फर्म होने वाला है समर स्लैम में, इलियो ड्रैगन ऑफ सेमी जेन एंड ब्रॉन ब्रेकर, इट्स कंफर्म फॉर समर स्लैम, मान के चलिए होने वाला है क्योंकि डिस्क्वालीफाई हो गया मैच। तो भाई ये अपडेट है, अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना। थैंक यू सो मच।